प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो इस वीडियो की शुरुआत हम दक्षिण भारत से करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि इस समय चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और काफी इलाकों में पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों तक में पानी भरा हुआ है और काफी ज्यादा मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस समय बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये डिप्रेशन है जो तट के काफी पास पहुंच चुका है और ये बादल पूरे इलाके में, यानी कि तेलंगाना से लेकर के उड़ीसा के कुछ भागों से लेकर के पूरे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटका में देखे जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां हुई थी वो नुंगंबक्कम में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी, यानी कि 157 मिलीमीटर की भारी बारिश नुंगंबक्कम ऑब्जर्वेटरी जो चेन्नई की थी वहां दर्ज की गई। उसके बाद मीनमबक्कम जो एयरपोर्ट के पास ऑब्जर्वेटरी है उसमें 144 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई थी और तिरुपति में जो साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट पर है वहाँ 79 मिलीमीटर हुई थी और नेल्लोर में 52 मिलीमीटर बारिश हुई है, कुडलोर में 21 मिलीमीटर बारिश हुई है और पुडुचेरी में 34 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसको अगर आप देखेंगे तो इस समय ये डिप्रेशन पहले यहाँ पर था और अब ये डिप्रेशन तट के एकदम पास आ गया है और इस समय जो हवाओं की रफ्तार है काफी ज्यादा है, धीरे धीरे हवा बढ़ेगी और 40 से 50 किलोमीटर और गश्त में 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊंची उठेंगी और जब ये अंदर आज शाम के आसपास चेन्नई के आसपास जब दस्तक देगा तो ये जो लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा और जब लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा तो ये बारिश की गतिविधियां कल दोपहर से शुरू हो सकती है, यानी कम होना शुरू हो जाएगी और राहत मिलना शुरू हो जाएगी और जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तब ही किया जा सकता है। तब तक के लिए थोड़ा बहुत जो पानी जो यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो निकाल सके या कुछ कर सके तो ठीक है। और इसी तरह आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं यानी कि काकीनाडा, कृष्णा, गोदावरी और गुंटूर, ये तिरुपति, नेल्लोर, इन सारे इलाकों में भी भारी बारिश होगी। रायलसीमा में कुडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर, इन इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है और उत्तरी तमिलनाडु, आंतरिक तमिलनाडु में भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। और अगर हम देखें तो ये लो प्रेशर एरिया जब कल पहुंच जाएगा साउथ इंटीरियर कर्नाटका में तो आज रात से या कल सुबह से बेंगलुरु, चामराजनगर, तुमकुर और मैसूर, यानी कि जो आंतरिक कर्नाटका है उसमें भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के साथ जो तेलंगाना के कुछ इलाके हैं इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां संभव नजर आ रही हैं। अब हम रुख करते हैं उत्तर भारत का। अगर उत्तर भारत का के देखे जाए तो उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से कोई भी वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है और अब अगर हम देखेंगे तो इस समय हवाएं जो चल रही हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं और ये हवाएं जो होती हैं वो शुष्क होती हैं। इसके प्रभाव से क्या होता है कि जो तापमान गिरने लग जाते हैं लेकिन हवाओं की रफ्तार में आज काफी ज्यादा कमी आई है। आज 11 नवंबर को हवाएं लगभग काम है, बहुत हल्की हवा है। जब हवा कमजोर हो जाती है तो जो पॉल्यूशन है वो एक ही जगह पर मंडराता रहता है और वो डिस्पर्स नहीं हो पाता, इसीलिए आज फिर से सीवियर कैटेगरी में दिल्ली का पॉल्यूशन आ चुका है और उसी तरह से पंजाब और हरियाणा में जो थोड़ी बहुत पराली अभी भी जल रही है उसका धुआं भी इस तरफ आ रहा है और दिल्ली का जो अपना पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन साइट की धूल है और जो व्हीकल और ट्रैफिक है उसका जो धुआं है उसके कारण ये पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तापमान इस समय कम बने हुए हैं, सुबह के समय मिस्ट और हेज बन जाती है और उसकी जो वाष्प के कारण है उसके साथ ये जो पॉल्यूटेंट्स मिल करके स्मोक की चादर बना लेते हैं जो इस समय आप देख सकते हैं कि पूरे वातावरण में इसी तरह का माहौल बना हुआ है। इससे निजात अभी फिलहाल नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस अभी फिलहाल 21 तारीख तक जम्मू कश्मीर को के आवास नहीं पहुंचेगा। 21, 22, 23 तारीख के आसपास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है लेकिन उसका इंपैक्ट नॉर्थ इंडिया में तब भी नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब तक नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं होगी तब तक ये पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगले एक सप्ताह तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा, यानी बारिश नहीं होगी लेकिन तापमानों में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। इसी तरह पूर्वी भारत में भी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं तो बिहार, झारखंड में हल्के फुल्के बादल छाएंगे इस वेदर सिस्टम के प्रभाव से।
लेकिन बारिश नहीं होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं है और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी और उसी तरह पूर्वोत्तर राज्य भी पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे। लेकिन ओडिशा के कुछ भागों में तटीय ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई थी, लेकिन इस ये वेदर सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ओडिशा के जो दक्षिणी जिले हैं इन इलाकों में गजपति, गंजम, कोरापुट और जो तटीय इलाके हैं इस इलाके में पुरी वगैरह और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। भारी बारिश नहीं होगी, बारिश हल्की ही होगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिण जिलों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और उसी तरह से बाकी लेकिन इलाके जो हैं छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके जैसे कि कोरिया, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, रायपुर, ये राजनांदगांव, दुर्ग, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे और पूरा मध्य प्रदेश भी शुष्क बना रहेगा। राजस्थान के साथ साथ गुजरात भी शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बादल छा सकते हैं अगले दो दिनों के दौरान, लेकिन बारिश नहीं होगी और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे क्योंकि जब बादल आते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी उत्तर भारत यानी पहाड़ी इलाके, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी और पूर्व उत्तर भारत, ये पूरे इलाके शुष्क रहेंगे और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली हैं, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाद साउथ इंटीरियर कर्नाटक में होने वाली है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे स्काई मेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।